हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी के सभी। तो वेलकम है अपने फाइनल पार्ट में। तो गाइस, इतने दिनों का वेट करने के बाद आखिर फाइनल पार्ट आ चुका है। तो थोड़ा सा रीजन दे देता हूं ये लेट क्यों हुई। पहले तो ये 3 गुना बड़ी है अपनी नॉर्मल वीडियो से, शायद से 30-35 मिनट की होगी है और पूरी वीडियो में ज्यादातर फाइटिंग ही हो रही है। तो इसी वजह से एडिटिंग करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, हर जगह पे इफेक्ट लगाने थे इसीलिए लेट हो गई। पर छोड़ो ये सभी, अपनी वीडियो का आप मजा लेते हैं। पर उससे पहले यार, इतनी सारी मेहनत के लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। फाइट तुम भी काफी अच्छी करते हो फेरो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अकेले तुम मुझे हरा सकते हो। तुझे तो देख लूंगा बुढ़े। चलो अब हमेशा के लिए सो जाओ। ये फिर से वापस आ गया, लगता है तू पिछली पिटाई भूल गया है इसलिए वापस पीटने के लिए आ गया है। फिकर मत कर, इस बार तेरी पेटी बनाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा हुआ मैजिस्टिक तुम सही टाइम पे आ गए, सच में काफी पावरफुल है ये बुड्ढा। हाँ मैं जानता हूँ फेरो, चलो अब साथ में मिलकर इसे सबक सिखाते हैं। साथ में मिलकर अब फाइट करोगे मुझसे? सोच लो कहीं भागना ना पड़ जाए। भागना तो अब तुझे पड़ेगा बुड्ढे, जब तेरी दाढ़ी खेच खेच कर हम मारेंगे। ठीक है फिर, जैसी तुम दोनों की मर्जी। ये क्या, ये इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया? अरे ये इस बुड्ढे की तो कहां गया ये? मैजिस्टिक भी गायब है, इसको जल्दी ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है रीडासन, और ये भी सुना है कि तुम काफी पावरफुल हो, क्या ये सच है? वैसे तो मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करती हूँ, लेकिन तुम कह सकती हो कि मैं पावरफुल तो बहुत हूँ। अरे तब तो तुम्हें किंग डेविल से लड़ना चाहिए, तुम तो उसे आसानी से हरा सकती हो। अब इतनी भी पावरफुल नहीं हूँ कि उससे अकेले ही निपट लूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने बाकी लोगों के साथ क्या किया? हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी तुमसे, क्योंकि सीरियस मोड में थोड़ा खुश रहना भी जरूरी है। तुम भूतों को और कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझसे मजे लेने में लगी हो। अरे ये क्या, ये तो किंग डेविल के मॉन्स्टर्स हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा है ये? उसी ने छोड़ा होगा हम पर नजर रखने के लिए या तो हमें मारने के लिए। मगर रीडासन, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये पलक झपकते ही हमें अपने साथ ले जाएंगे और काफी ज्यादा डैमेज भी दे देंगे। अरे तुम फिकर मत करो, मैं संभाल लूंगी। ये क्या? मानना पड़ेगा काफी दमदार हो तुम दोनों, इतने पिटने के बाद भी अब भी लड़ना चाहते हो। फेरो, इस बार साथ में मिलकर अटैक करते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ये क्या हुआ, ये हमारे सामने आके आखिर कर क्या रहा है? अभी पता चल जाएगा। अरे
इसमें इस बुढ़े ने तो नाक में दम कर दिया है, अब ये मैजिस्टिक कहाँ गया फिर से? अरे वो रहा, ये क्या? अबे बुढ़े वो उठा भी नहीं था, फिर भी उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आखिर किस किस्म का जानवर है? सांस तो लेने दे कम से कम एक बंदे को। अरे ये क्या, पोसाइडन? पोसाइडन कहाँ गया अचानक से? अभी तो थोड़ी देर पहले यही थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई उन्हें ले तो नहीं गया यहाँ से? जाकर बाकियों से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। हाँ ये क्या, ये दोनों भी यहाँ पर नहीं हैं। आखिर कहाँ गए ये? अभी तो ये दोनों साथ में नीचे ही खड़े थे। मुझे इन्हें ढूंढना होगा। तुमने सही कहा था भूतनी, ये तो बहुत ही पावरफुल है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें, इनसे थोड़ा संभाल कर। अब ये क्या ड्रामा है, ये दोनों एक कैसे हो गए? ये दोनों साथ मिलकर अपना एक नया फॉर्म बना लेते हैं, जिससे कि ये और भी पावरफुल हो जाते हैं। इसका मतलब अब ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो अब तुम्हारी पेटी बना सकता हूँ मैं। अब सच में मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ तुमसे फाइट करके। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? सोचो फिर बिना दर्द की मौत मिलेगी तुम्हें। बुढ़े, इतनी आराम से हार नहीं मानूंगा मैं, मेरा नाम भी फेरो है। ठीक है फिर, आज ही तेरा नाम मिटा देता हूँ तेरे साथ साथ। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा वरना मैं मारा जाऊंगा फ्री में इसके हाथों। चल अब रेडी हो जा मरने के लिए। अरे ये क्या, इतना जोरदार हमला, आखिर इस पे किया किसने? लोगों की तो अचानक से अटैक करते हो। ये क्या, फ्लेम डेविल? तुम्हारी तो मैंने पेटी बना दी थी ना, तुम वापस कहां से आ गए? तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा बिना तेरी पेटी बनाए? जब तूने मेरे घर पे हमला किया था तब उस धमाके में मैं कहीं दूर जाके गिर गया था। मेरी बॉडी इतनी तो स्ट्रांग है कि इतने बड़े धमाके को सहन कर सकती है, पर मैं फिर भी उस अटैक से डैमेज हो गया था। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया जिसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी वापस ठीक होने में। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू उस दिन बच गया मेरे हाथों से, पर तू फिक्र मत कर, आज तेरी यहाँ पे पेटी बना ही दूंगा। फ्लेम डेविल, आखिर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम शायद जानते नहीं इसने मेरी फैमिली के साथ आखिर किया क्या है। मेरे घर में घुसकर मेरी वाइफ का उसी के हाथों से गला कटवाया इसने, और इतना ही नहीं मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा इसने, उसकी भी पेटी बना दी इस कमीने ने।
बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ फिल्म डेविल, मुझे सच में काफी अफसोस है। अगर तुम दोनों का ये इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो आप थोड़ी एक दूसरे की पेटी वगैरह बना ले। वो क्या है ना कि मैं ऐसे खड़े खड़े बोर हो जाता हूँ, इसलिए जल्दी ये खेल खत्म करते हैं। फिकर मत कर साले डेविल, तुझे आज हम यहाँ से भागने नहीं देंगे जिंदा। फेरो, इस पे एक जोरदार हमला करो तुम, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस इतना ही दम है? ये क्या, फिर ये कर क्या रहा है? बस बहुत खेल कूद कर ली तुम लोगों ने, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम आ ही गई, बड़ी देर लगा दी आने में। ये क्या, अब ये लड़की कौन है? माफ करना मुझे, मैं तुम दोनों को ढूंढने कहीं और चले गई थी, फिर बाद में पता चला कि तुम दोनों की फाइट तो यही हो रही है। चलो सही है, अब साथ में मिलकर हराते हैं हम इसे अपनी पूरी पावर लगा के। हाँ सही कहा तुमने भूतनी, यही करना पड़ेगा अब। इस वाली लड़की में कुछ तो अजीब है जो मुझे पता नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी लोगों को देख लूंगा मैं, आ जाओ। फाइनली इसे हरा ही दिया हमने। अच्छा हुआ एंजल कि तुम सही टाइम पे आ गई थी, वरना ये तो हमें और ज्यादा डैमेज दे देता। अरे तुम फिकर क्यों कर रही थी भूतनी, मेरा भी मैक्स फॉर्म भी रह गया था, उसे अच्छे से मजा चकाती मैं। सब छोड़ो, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। पोसाइडन अपने कमरे से गायब है, जब मैं उन्हें देखने के लिए गई थी तो वो वहाँ पर नहीं थे। क्या, आखिर गए कहाँ वो अपने बेड से? हाँ उसे थोड़ा काम आ गया होगा तभी वो चला गया, वापस आ जाएगा वो। हाँ वो काफी हद तक ठीक तो हो गए थे, वो अपने काम से ही गए होंगे कहीं। फिल्म डेविल तुमने तो कमाल ही कर दिया, क्या जोरदार हमला किया तुमने इस पे, बस इसकी अब पेटी बनाना रह गया है, चलो अब वो भी पूरा करते हैं। अरे ये क्या, ये तो फिर से उठ गया, इतने जोरदार हमले के बाद भी। लगता है ये अभी भी हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मैंने सोचा था तुम लोगों को हराने में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अब चलो लड़ाई हो ही रही है अच्छी खासी, तो उस पावर को भी क्यों ना यूज कर लिया जाए। ये क्या, इसके पास एक अल्टीमेट फॉर्म है? मुझे तो लगता था एक बसूरत सा बुड्ढा है। ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकला। तो तुम दोनों शायद कुछ कह रहे थे मेरी पेटी के बारे में, चलो अब बना के दिखाओ।
मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बनाएंगे। तुझे क्या लगता है ये फॉर्म देख के हम डर जाएंगे? गलत सोच है तेरी। एक ही अटैक से तुम दोनों की हवा निकल गई क्या? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलो जल्दी खड़े हो। लगता है अब खड़े भी नहीं हो पाओगे तुम दोनों। चलो कोई बात नहीं, अगर फाइट पूरी हो गई हो तो अब तुम्हारी आराम से पेटी बना सकता हूँ मैं, और कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा तुम्हें। अब कौन आ गया? ये फिर से यहाँ पे? अब ये भी यहाँ पे? आखिर ये हो क्या रहा है? जिनकी मैंने इतनी हालत खराब कर दी थी वो आखिर वापस कहाँ से आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को भी देख के। साले की तो अच्छा हुआ कि ये लोग भी सही टाइम पे आ गए। फिकर मत करो किंग डेविल, आज यहाँ से कोई भी नहीं जाने वाला बगैर तुम्हारी पेटी बनाए। हाँ सही कहा तुमने मैजिस्टिक, आज इससे सबको छुटकारा मिल ही जाएगा। ये हुई ना बात, चलो साथ में मिलकर अब इसकी पुंगी बजाते हैं। तुम चार लोगों बस मेरे सामने, मैंने इसी फॉर्म में एक साथ 7-8 लोगों की भी पेटी बना रखी है, और वो भी अल्टीमेट या एक्सूटेड तुम्हारी तरह। मगर हम वो नहीं जिनसे तूने मुकाबला किया है, हम बहुत ही ज्यादा अलग हैं उनसे, और वो आज तुझे पता चल भी जाएगा। ये कुछ अलग है, एक एक्सूट अल्टीमेट फॉर्म। तुमने अपनी मैक्स पावर को भी ब्रेक करके एक नया फॉर्म और एक नई ताकत ढूंढ ली है। बहुत अच्छे, बहुत कम लोग दिखते हैं मुझे ऐसे। चलो ठीक है, अब तुमसे भी लड़ने में भी काफी मजा आएगा। सच में इसे अकेला लड़ना तो बेवकूफी होगी, ये अकेला ही हम सब पे भारी पड़ रहा है। इसने अपनी पावर्स में महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि एक सिर्फ अल्टीमेट फॉर्म होकर भी कई गुना ज्यादा पावर है इसके पास। सही कहा तुमने पोसाइडन, हम यहाँ 3 अल्टीमेट फॉर्म और एक एक्सूट मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे ठीक से। इससे पता चलता है कि ये कितना पावरफुल है, हमें और कई गुना ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, और वो भी जल्दी, वरना हम सब गए। लगता है कोई यहाँ पे बहुत तेजी से आ रहा है। ये क्या? चलो अच्छा हुआ तुम भी सही टाइम पर आखिर आ ही गए।
तुम भी आखिर फाइनली आ ही गए। हमें यहाँ पे थोड़ी मदद की जरूरत है जोकर। ओ, ये तो वही लड़का है जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने हालत खराब करी थी। मुझे लगा नहीं था कि एक सूट के अलावा भी इसके पास कई गुना और पावर्स होंगी। जब मैं इससे मिला था तब से ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हाँ तो किंग डेविल, चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, अब इसे खत्म करते हैं। सही कहा लड़के तूने, अब ये फाइट जल्दी खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे पता है कि तुम लोग काफी देर से फाइट कर रहे हो इससे, पर अभी हमें अपनी पूरी पावर से इस पे हमला करना पड़ेगा, तभी ये हार पाएगा। ठीक है फिर, तो लगाते हैं अपना पूरा जोर। ठीक है बेटा, ऐसे ही करते हैं। हाँ जोकर, ऐसे ही करते हैं। चलो, मैं भी सब समझ गया। तुम लोग बहुत पछताने वाले हो आज, क्योंकि यहीं पे तुम लोगों की बेटी बनेगी सबकी। ये क्या, क्या हम लोग जीत गए? फाइनली हमने अपना पूरा जोर लगाया और आखिर इसको हरा ही दिया। हमने इतना जोरदार हमला किया था इस पे, इसकी तो पेटी बन जानी चाहिए थी, पर फिर भी ये इस अटैक में सरवाइव कर गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे अभी भी। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये इस हमले के बाद भी उड़ गया कैसे? लगता है इसने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं लगाई है हम पे। सच में तुमसे लड़ने में काफी मजा आया। इस वाले फॉर्म को आज तक मेरे कोई नहीं हरा पाया, पर तुम लोगों ने ये काम कर दिखाया और इससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और इसीलिए अब तुम वो देखने वाले हो जिसका मैंने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था अपनी पूरी जिंदगी में। आखिर वो है क्या, मैं भी तो देखूं। ये क्या, इसके पास अपने दो अल्टीमेट फॉर्म है और वो भी इतने पावरफुल लेवल के। इसका ऑरा तो मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है, सच में काफी पावरफुल है ये। 1000 सालों में इसने अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया है और ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमने अपनी पूरी पावर इसके एक कमजोर फॉर्म पे यूज कर दी। तुम सभी लोगों ने बहुत खेल कूद कर ली, अब तुम लोगों का मरने का टाइम है। ये क्या,
पोसाइडन, मैजिस्टिक, आप दोनों ठीक तो हैं? इन्होंने अपनी पूरी पावर लगाई थी उस अटैक में, इसी वजह से शायद काफी कमजोर हो गए हैं। फ्लेम डेविल की भी हालत खराब है, उसने भी काफी कोशिश करी थी अपनी इसको हराने में। ओ, तो बच गए तुम दोनों, बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आप नहीं बचने वाले मेरे हाथों से। बस बहुत हुआ तेरा, अब तू गया फैरो। अरे ये क्या, फैरो फैरो उठो, तुम ठीक तो हो? अब वो नहीं उठने वाला, क्योंकि वो इतने टाइम से मुझसे फाइट कर रहा था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, तो अब वो नहीं उठ पाएगा और तुम्हारी बस एक ही बनता देखेगा। आना पड़ेगा बच्चे, तुझ में भी काफी दम था, तुझे देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना कि वो मुझे मारने की सोच रहा था, पर अफसोस वो मुझे नहीं हरा पाया और मेरे हाथों से उसकी पेटी बन गई। सच में उसके लिए काफी बुरा लगता है कि वो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाया मुझसे, जिसको मैंने मरवाया था। सही बताऊं तो औरतों पे कभी यकीन मत करना, क्योंकि जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो तुम्हें छोड़ के चली जाती हैं। सालों का रिश्ता एक मिनट में तोड़ देती हैं, एक छोटी गलती की वजह से। बस इसी वजह से मैंने अपनी वाइफ को मरवा दिया और अपने बेटे को भी खत्म कर दिया, क्योंकि आगे चलकर वो मेरे लिए काफी बड़ा सरदर्द बन जाता। पर मानना पड़ेगा मेरे बेटे को भी, मरने के बाद भी उसने दूसरी दुनिया में अपना राज्य बनाया ताकि वो वहां से निकल सके। इसीलिए उसने एक प्रेग्नेंट लड़की को पकड़ा, जो उसका एक रास्ता बन सकती थी निकलने का वहां से, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा था उसके पास कई मिस्टीरियस पावर्स थी जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है मुझे। बस उसी की वजह से वो निकलना चाहता था, पर उसका प्लान फेल हो गया किसी वजह से। लगता है ये उसी की बात कर रहा है। जब दूसरी दुनिया में एंजल कैद हुई थी तो ये उसका बाप है, उसने मुझे बताया था इसके बारे में। देखो, ये कहानी मैं कभी किसी को सुनाता नहीं हूँ, तुम लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुमने काफी कुछ खोया अपनी लाइफ में। किसी ने अपनी बीवी या बेटा खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपने दोस्त, पर सच बताओ तो इन सबसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अपना कोई चाहने वाला खोता है तब मुझे काफी मजा आता है उसका चेहरा देखने में। जैसे कि तुम अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और एक मेरा बेटा जो मुझे मारने के लिए हमेशा तैयार रहता था, बस यही अच्छाई देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, और ये सब मैं अब खत्म करूंगा। पोसाइडन, नहीं! ये क्या किया तुमने? नहीं पोसाइडन। वाह, क्या सीन है, मजा आ गया तुम्हें ऐसा देख के अपने बाप के लिए। छोड़ो, वो अब जा चुका है, अब तुम लोगों की बारी है मरने की। पोसाइडन, जोकर मेरी बात सुनो, रुक जाओ एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
क्या हुआ? अब कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? देखो, मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि जब भविष्यवाणी हुई थी उसमें बताया गया था कि एक बंदा जन्म लेगा और वो किंग डेविल का अंत बनेगा और उस काम में उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। पर लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहना चाहिए कि आखिर उसका अंत कैसे होगा। हाँ ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। और कोई बात है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें वो भविष्यवाणी याद रखनी है। क्या पता तुम्हारा कोई रास्ता निकल आए इससे। कोई बात नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगा उसे। अगर कोई मेरी हेल्प नहीं भी करता है तब भी वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं समझा कि आखिर इसको खत्म कैसे करना है। ये क्या, तू अब भी लड़ना चाहता है मुझसे? पागल तो नहीं हो गया बच्चे? वो भविष्यवाणी सिर्फ एक इशारा थी कि आखिर हमें एंड मौके पे करना क्या है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी पावर्स और एनर्जी दे दो, क्योंकि अभी हम एक साथ मिलकर तो नहीं पर अपनी पावर्स मिलाकर इस पे एक अटैक तो जरूर कर सकते हैं। बस हमारे पास यही एक रास्ता बचा है। ठीक है जोकर, जैसा तुम चाहो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. तुझे लगता है बच्चे कि तू इनकी पावर लेके मुझे हरा सकता है? हाँ बिल्कुल यही लगता है, और अब ऐसा होगा भी। ठीक है तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, पूरी पावर से हमला करूंगा इस बार, तुम्हारी राख भी नहीं मिलेगी। ये क्या सच है? हमने इसको हरा दिया क्या? वाह क्या बात है जोकर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब लगता है कि ये हार गया सच में। तुमने काफी अच्छा काम किया लड़के, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया जोकर। हमारी पावर्स को एक करके एक बहुत बड़ा अटैक बनाया जिससे कि ये हार गया, और शायद यही भविष्यवाणी में लिखा गया था। हाँ सही कहा तुमने मैजिस्टिक, आखिरकार ये खत्म हुआ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और जिन जिन भाई इस वीडियो में हेल्प करिए भाई सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए। और हाँ नेक्स्ट सीरीज बनानी चाहिए नहीं चाहिए यार कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यार इससे बढ़िया एंडिंग हो सकती है अपनी किसी वीडियो की। तो बता देना अपनी इच्छा जो भी कमेंट में हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर कभी बाद में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।